खास चर्चा की शुरुआत करते थे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ बीजेपी से विनीत शुक्ला हैं। विनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से विनय सिंह हैं। विनय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों के पास आएँ, एक ही सबसे पहले आपके पास आ जाना चाहते हैं। 13 सीटें उत्तर प्रदेश की, पूरे देश में 71 सीटें, 13 सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस करें तो आज चौथा चरण उत्तर प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है? कई VVIP सीट्स हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, हम पहले भी कई बार ये बोल चुके हैं और पूरे राजनीति की दुनिया में इस चीज़ को माना जाता है कि जो सत्ता का गलियारा गुजरता है वो उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है। 80-85 सीटें हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और एक एक सीट के लिए अब की बार फाइट है यहाँ पे, पक्ष और विपक्ष दोनों में। एक सीट की हार, एक सीट की जीत बहुत बड़े मायने रखती है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा रण क्षेत्र है ना, चुनावी रण क्षेत्र, जहां पे राजनीतिक पार्टियों की दक्षता को आंका जाता है। यहां का सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स और इक्वेशंस अगर आप देखेंगे तो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कठिन है कि उसको समझना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के बस की भी बात नहीं होती है। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, जो भी सीटें हैं जो अभी हो रही हैं या पूरा अगर मिला करके देखा जाए, मेरे लिए बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना कि ये एक प्रयोगशाला है। यहाँ पे नित नए अनुसंधान होते रहते हैं। दशा और दिशा भारतीय राजनीति की यहीं से तय होती है, क्या नूतनता आएगी, कौन से पुराने चीजों को भारतीय राजनीति जो है उसको परित्यक्त कर देगी, यानी कौन से पुराने सिद्धांतों का परित्याग भविष्य जो है राजनीति में करेगा। ये सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो हर मामले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वसुंधरा राजे कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। The 25 seats will show you very good results. Ma'am, do you think this is a election which is Modi versus none or Modi versus rest of the? I wouldn't like to do that because this is a democratic setup. So an election is an election, but I know that Mr. Modi is going to be the winner at the end of all of this. Thank you. तो आपने सुना वसुंधरा राजे को। विनीत शुक्ला आपके पास आना चाहते हैं। इन 13 सीटों की बात करें, 13 सीटें बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि खासतौर पर बात करें आप, इन 13 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदल दिया, यानी कि जो स्थानीय सांसद थे उनका टिकट काट दिया, जिनमें कई सारी सीटें हैं, चाहे इटावा की बात करें, मिश्रिख की बात करें, और हरदोई भी इनमें से एक महत्वपूर्ण सीट है, शाहजहांपुर है, ऐसे में जालौन भी है। क्या लगता है आपको, प्रत्याशी बदलने से जो कुछ भी रहा उनका बैकग्राउंड, क्या वो तमाम चीजें मिट जाएंगी, खत्म हो जाएगा? देखिए अजितेश जी, हाँ अजितेश जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो अपील ये करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें घर से निकल करके, हाँ, और ये चुनावी महापर्व जो है इसमें भाग लें और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने पहुंचे। और जहां आप बता रहे हैं 13 सीट में, हमारे पास 12 सीटें थी हमारी, और टिकट बदलने का सवाल है तो वो संगठन करता है, संगठन जिसको भी चुनाव लड़ाना, किसको लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना, ये संगठन तय करता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुशासन, सुरक्षा, राष्ट्रवाद और एकात्मता, सबका साथ, सबका विकास, 125 करोड़ देशवासियों की बात की है, उसी के आधार पे उनको हम विनीत जी बखूबी मानते हैं, उनको हम बखूबी मानते हैं। एक्चुअली कहा यह भी जाता है कि बीजेपी खासतौर पर जो एनालिसिस करती है प्रत्याशियों को लेकर, जनता की उसमें सबसे ज्यादा राय होती है, और खासतौर पर जनता की राय के साथ साथ पार्टी का फैसला तो होता ही है, लेकिन जब प्रत्याशियों के टिकट कटने की बात करते हैं, इटावा सीट की अगर हम बात कर लें, अशोक दौरे 2014 में आपके प्रत्याशी थे, मोदी लहर में हम साफ तौर पर कहेंगे वो जीते, 2019 में आते आते आपने उनका टिकट काट दिया, और आपका सर्वे ही कहता था कि अशोक दौरे ने काम नहीं किया, ये बखूबी हम लोग भी जानते हैं, और उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन आखिरकार वो जनता दोबारा विश्वास कैसे करेगी, वही अशोक दौरे जो कांग्रेस में चले गए, आपने रामशंकर कठेरिया को आगरा से इटावा भेज दिया, ऐसे में कितना जरूरी है ये विश्वास कैसे जगा पाएंगे कि अब की बार नहीं चली, एक बार बार 5 साल फिर दीजिए, हम प्रत्याशी बदल रहे हैं। अजितेश जी देखिए, मोदी जी की नियत पे कोई शक नहीं, मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, चाहे वो इटावा हो या कोई और क्षेत्र हो, हर जगह मोदी जी की योजना पहुंची है, गांव गरीब किसान को मजबूत करने का काम
मोदी जी की सरकार ने किया है और जिस प्रत्याशी की छवि या कुछ भी जो भी हुआ है चेंज हुआ है वो उसके कारण हुआ है, तो वो जनता का फीडबैक है। और हमारा जो नया प्रत्याशी जो भी गया है हाँ। मोदी जी की नीतियों को बराबर नीचे अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब ये तो वादा है ना 2014 में, उनके लिए भी तो एक आ गया था लेकिन नहीं हुआ, तो टिकट काट दिया। कब तक टिकट काटेंगे? विनय सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे इस वक्त मौजूद है। विनय सिंह जी, टिकट काटना तो ये स्वाभाविक नहीं सर, सिटिंग एमपी का टिकट का जाहिर सी बात है काम के आधार पर ही काटेंगे, कोई यूं ही नहीं काट दिया जाता, आपको बखूबी पता है। विनय सिंह जी, 13 सीटों की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि जिक्र इटावा का भी हो रहा है इसमें, जिक्र इसमें कन्नौज का भी हो रहा है। देखिए, जो अभी समय चुनाव हो रहा है, अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी के पास थी 12 सीटें, बीजेपी के पास नहीं थी वो 12 सीटें, वह जनता का जनादेश था 5 साल के लिए, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी नाकाम हुई है, उस जनादेश का पालन करने में नाकाम हुई। अब हाँ। अब 2019 का ये चुनाव चल रहा है, अब जनता बताएगी वह सीट किसके पास रहेगा, वह गरीब बताएंगे वह सीट किसके पास रहेगा, वह शोषित लोग बताएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शोषित का ने शोषण किया है, वह बताएंगे वह सीट किसके पास रहेगा। रही बात, अब अभी तक आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने इतना शोर कर दिया मोदी 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 मोदी, लेकिन आपने देखा होगा कि जनता एकदम शांत है, या जनता का शांत होना यह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में 2019 में एक क्रांति होने वाली है। हाँ। उस क्रांति के तहत जनता अपने लिए आजादी ढूंढ रही है, जिस तरीके से मोदी के नियमों ने, इनके विजन ने, इनके कार्यों ने जनता को एकदम से प्रताड़ित कर दिया है, परेशान हाँ। कर दिया है, आज उससे निजात पाने का समय आ गया, अब जनता बताने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ आने जा रहा है। एक और चीज पूछना चाह रहे हैं विनय सिंह जी, जब महागठबंधन का आप जिक्र कर ही देते हैं तो आपसे मैं जानना चाह रहे हैं 13 सीटों पर महागठबंधन के मुद्दे क्या है, खासतौर पर बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ चूंकि इटावा की जब बात होती है, इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़, मुलायम सिंह यादव का गृह जनपद, दूसरी बात कन्नौज की बात होती है, डिंपल यादव वहां से चुनाव लड़ रही, हालांकि आपकी राह आसान तब नजर आती है जब वहां से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा नहीं, पीएसपीएल ने भी प्रत्याशी एंड टाइम पर वॉकआउट कर लिया, वहां से वापस ले लिया। ऐसी और भी कई सीटें जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हरदोई की बात करें, मिश्रे की बात करें, आखिरकार मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार के काम का आकलन किया जाए 2012 से 2017 तक में, तो 2017 में आपको बेदखल कर दिया, अब इन 2 सालों में कितना विश्वास समाजवादी पार्टी जगा पाई, किन मुद्दों पर जगा पाई, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। जी अजितेश जी, बता दें, हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के तरह से मुद्दों से इधर उधर जनता से किए वादों से भटकने का काम कभी हमने नहीं किया। हमने 2017 का जो विधानसभा चुनाव लड़ा था हाँ। उसमें भी हमने अपने काम को पर ही फोकस किया लेकिन था, जनता ने समर्थन नहीं दिया था, हमें अगर वो सीटें नहीं मिली हाँ। तो मैं काम या कारनामे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी काम या कारनामे, हमें अगर सीटें नहीं मिली तो जनता के अंदर काम किए थे या कारनामे किए थे, कोई गलत फहमी रह गई होगी, समाजवादी पार्टी ने क्योंकि भारतीय काम किया था या कारनामे किए थे। विनीत जी अच्छी बात बोली, आपको समर्थन करना चाहिए, चुनाव जनता के पैसे की लूट की आपको समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा, देखिए 2017 में हम चुनाव हारे, उन्होंने कहा 2017 में हम चुनाव हारे और इस पर हम मंथन कर रहे हैं, और हम क्यों हारे इस पर हमने मंथन किया, हमसे कोई कमी रह गई होगी, ये अच्छी बात कही उन्होंने, ये हर पार्टी को कहनी चाहिए कि कमी रह गई भी पूरी करेंगे। विनीत जी आप कुछ बोल रहे थे अपनी बात पूरी करें। और आज 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 हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम दलित और बैकवर्ड पिछड़े समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, आपने नहीं देखा? यही तो देखा, हमारे मुख्यमंत्री को कहते हैं देश की सरकार बनने पे मायावती की मूर्ति तोड़ी गई, दलितों का सबसे बड़ा अपमान, बोलने दिया कीजिए, एक एक आदमी बोले तो ज्यादा अच्छा, हम अपनी बात मूर्ति नहीं तोड़ेंगे। अभी तक आप सुन रहे, विकास के मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सुनिए अजितेश, अरे आ रहे, सुनिए ना विनीत जी, विनीत जी, विनय सिंह जी आ रहे, रुकिए ना, गेस्ट हाउस कांड दोबारा नहीं होगा, अरे रुकिए ना, गेस्ट हाउस कांड कहाँ आप लेकर आगे, सुनिए ना सर, सुनिए अजितेश, देखिए ये बड़ा मार्के का बात आपने बोला है, ये सवाल पूछा है, और हमारे सारे गणमान्य माननीय नेताओं को सुनना चाहिए। हाँ। मैं बोलता हूँ
विकास का नशा अखिलेश यादव जी को भी चढ़ा था, तभी काम बोलता है वाला कैंपेन चला, सारी पार्टियों को सुशासन विकास इन सब का नशा चढ़ा था। मैंने बोला था कि 2014 और आज के इलेक्शन में फर्क क्या है। आज का इलेक्शन मूलभूत रूप से अपने वास्तविक रूप में आ गया है। 5 साल तक सारी पार्टियों ने विकास की बातें की, प्रश्न हुए, जवाब हुए, सारी पार्टियों ने किया जिससे जो हो सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब जब इलेक्शन हो गया, सारे डिबेट में, सारे भाषणों में बातें हो रही अली, बजरंग बली, दलित, ये वो, तो ये देखिए नेता लोग, इनके चेहरे से मुखौटा हट गया, लालच दे रहे हैं कि हम इतना देंगे, हम उतना देंगे। जनता को ये समझना चाहिए कि ये जितने सारे पार्टी के नेता हैं जो विकास की बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जनता इनसे सवाल पूछे ना कि आप वापस घूम फिर के जहां से शुरू किया था वहीं क्यों आ गए। जाति पात, सवर्ण, पिछड़े, उनके, मैं बोलता हूं चलिए बीजेपी के शासन में दलितों पे अत्याचार हुआ, तो किसी और के शासन में हो सकता है सवर्णों के ऊपर भी अत्याचार हुआ हो, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ हो, अमीरों को छोड़ के गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ हो। तो साहब शासन कोई भी रहे, अत्याचार कहीं ना कहीं होता रहता है। ये सवाल इन लोगों से पूछिए और इनसे ये जवाब लेना होगा आज की डेट में, अभी लेंगे, कि ये सारी चीजें भूल के फिर अपने असली रूप में क्यों आ गए। विनय जी, समाजवादी पार्टी की सरकार रही 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर, बार बार जिक्र करते हैं, अच्छा लगता है, हम जब जाते हैं तब भी अच्छा लगता है, जब आप कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने आगरा से लखनऊ को एक्सप्रेसवे दिया, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन चुनाव होते आते काम चले जाते हैं। हम दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, यह इन्हीं मुद्दों पर आप एक बार क्लियर कर दीजिए कि दरअसल आप चुनाव लड़ रहे हैं दलितों और पिछड़ों के लिए और इन्हीं मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने कहा कि हम बार बार दलित और बैकवर्ड, आपने देखा नहीं चुनाव में, अभी कहा योगी जी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री न होते तो भैंस चरा रहे होते। अरे भाई मायावती ने कहा था, मायावती ने कहा था, क्या दर्शाता है? अरे मायावती ने कहा था भाई, ये कुछ नहीं दर्शाता है साहब। लालू प्रसाद यादव जो आपके रुपया है, उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला, अगर जनता के लिए चरवाहा विद्यालय खुल सकता है, भैंस पे लोग पढ़ सकते हैं, तो आपके ऊपर ये चीज क्यों नहीं लागू होती है? आपको तो अपने आप ये चीज शुरू करना चाहिए, जनता के लिए चरवाहा विद्यालय, जनता जो है पढ़े तो भैंस के ऊपर बैठ के पढ़े, और आपके लड़के पढ़े तो कॉन्वेंट में पढ़े और हार्वर्ड में जाके पढ़े। आपको ये बात बुरी लगती है? जाके पूछिए ना लालू प्रसाद यादव से क्यों मुद्दा बनाया था चरवाहा विद्यालय का, और एग्जाम्पल दिया था कि हमारे यहाँ के लड़के भैंस में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में हमने एक विकास का सिनेरियो बनाया था। अरे आप ही के महागठबंधन के वो भी नेता हैं कि हमने किस तरीके से, अरे अगर बात उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, बात उत्तर प्रदेश की कर रही है तो आप दिल्ली के एमपी की बात क्यों करते हैं? बात उत्तर प्रदेश की कर रही है तो आप एमपी का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? बात उत्तर प्रदेश की कर रही है तो लखनऊ के मुख्यमंत्री की बात करें, ना कि दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर की बात करें। उत्तर प्रदेश के पाले में रह के बात करनी है तो प्रधानमंत्री की बात मत करिए, सरकार में की गई थी। उत्तर प्रदेश की बात करनी है तो प्रधानमंत्री की बात मत करिए, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को मत लाइए। फर्जी समाजवादी, अरे सुनिए, दिल्ली की बात करते हैं, अगर बात उत्तर प्रदेश की करनी है, जिस जनेश्वर बात निकली है तो दूर तक जाएगी, या तो आप पूरे देश की बात करना छोड़ दीजिए। अम्बेडकर के नाम से था, मायावती के जितने भी योजनाएं थी, जी सुखिए ना, उनको हम डाइवर्ट हो गए मुद्दे से, तो समाजवादियों ने लगाया, अरे मुद्दे से डाइवर्ट हो गए, सुनिए ना कहां चले गए आप। विनीत जी सवाल ये कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी, उसके बाद से अगर हम देखें इस तरह के मुद्दे गर्म थे, विरवर रोहित तमुला का जिक्र करें, गुजरात का जिक्र करें और उत्तर प्रदेश के ऐसे कई मामलों का जिक्र करें, आखिरकार बचने की कोशिश भी तो करनी चाहिए, मौका आखिरकार दे कौन रहा है? ऐसी तस्वीरें अगर बार बार आती हैं, ऐसी खबरें अगर बार बार आती हैं, तो आखिरकार जवाब तो आपको भी देना चाहिए कि ऐसी स्थिति बनती क्यों है आखिरकार। विनीत शुक्ला जी, अजितेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने दलित, पिछड़ों
और इन सब के लिए जितने काम आज गरीबों की योजनाएं हैं उन सब तक पहुंची हैं, उन फ्रॉड है, उन गरीबों तक पहुंची हैं, झूठ है। 9 करोड़ अगर आवास, शौचालय और तमाम देने का काम अगर हो रहा है, उज्ज्वला के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम हो रहा है, तो उन दलितों, पिछड़ों और शोषितों को दिया जा रहा है। और यहाँ यहाँ समाजवादियों ने वोट डाल लिया, सबसे ज्यादा भले मुंबई में वोट डाले लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण समाजवादियों दलितों के बीच चल रहे हैं। आज मायावती जी के वोटर, मायावती जी के वोटरों का तो वोट ले लिया अखिलेश यादव ने, लेकिन अखिलेश यादव के समाजवादी के जो गुंडे अपराधी हैं वो मायावती जी को वोट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आज गठबंधन टूट के कंगार पे आ गया है। और 23 तारीख को ये झंडा फाड़ते मिलेंगे। और इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूनम महाजन भी वोट करने के लिए पहुंची है। इस वक्त बुजुर्ग दंपत्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, और ये एक बड़ा मैसेज जहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि उम्र कुछ भी हो लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। और यही एक संदेश है कि जितने भी वोटर्स हैं आज वोटिंग करने जरूर जाएं। आपको बता दें कि 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग जारी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, और इसके लिए जितने भी लोग हैं वो शुरू हो चुके हैं वोटिंग डालने के लिए, और जो दिग्गज हैं पार्टीज के बड़े दिग्गज वो भी वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट भी है, उनसे लगातार हम बात करेंगे। और ए के मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो से, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम बारीकी आपसे समझते हैं। एक बार फिर से स्वागत करूंगी आपका। विनीत शुक्ला जी हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से, आपका भी एक बार फिर से स्वागत करूंगी। वहीं पर विनय सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, आपका भी एक बार फिर से स्वागत करूंगी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं यूपी की, अगर हम बात करें 13 राज्य हैं, इन 13 राज्यों का समीकरण क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। मेरे सहयोगी अचितेश ने भी तमाम बातों पर जिक्र किया है, लेकिन सबसे पहले अब मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जब हम उम्मीदवारी की बात करते हैं, उम्मीदवारों की बात करते हैं, तो उनका प्रोफाइल देखा जाता है। ए के मिश्रा जी पहले आपसे सवाल, अगर देखा जाए इस बार बाहुबलियों को बहुत टिकट दिया गया है, ऐसा क्यों, क्या प्रोफाइल समझे? अगर एक उम्मीदवार सामने है किसी जनता के सामने तो जनता क्या देखे, क्योंकि उसके सामने तो ऑप्शन ही नहीं है। नैंसी एक थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं आपके आने के पहले, भैंस के बारे में बोलने पे समाजवादी प्रवक्ता नाराज हो गए थे, अखिलेश यादव जी के बारे में किसी ने कुछ बोला था मुझे ध्यान नहीं है, मैं बोल दूं कि भैंस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये भैंस वही बीजेपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उस मुंबई करने आगे आके वोट करना चाहिए तो मुंबई कर उभी राधे है या मधे काय करूं आंसर। इस बार भी क्या लग रहा है मोदी लहर बरकरार 2014 की, मोदी लहर नहीं मैंने कहा मोदी सुनामी होगी, जो विरोधी जो पार्टियां एक साथ मिलकर सिर्फ खुद के फायदे के लिए आई है उनको खत्म कर देगी। देखिए अभी सारा चुनाव तो होने दीजिए, सारे फेज होने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। मुंबई में छक्का मारेंगे हम, आप चिंता मत करिए। दिया है कहा कि मोदी लहर नहीं मोदी की सुनामी है, इस पर भी हम बात जरूर करेंगे, लेकिन ए के मिश्रा जी अपनी बात आप कंटिन्यू कर रहे थे उस पर, तो मैं कहूंगी जल्दी से बोल देना चाहता हूँ कि भैंस के महत्व को आप समझिए साहब, जब आजम खान साहब की भैंस खो गई थी ना तो पूरा पुलिस प्रशासन लगवा दिया था। आपके सवाल का जवाब है, जाके उनसे पूछिए कि भैंस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं जो आप नाराज हो गए। नैंसी अब हम आपके सवाल पे आते हैं जी, बाहुबलियों को इतना टिकट क्यों? मिश्रा जी भैंस के उस पे नाराज नहीं हो रहे हैं है। जो योगी जी ने कहा अगर अखिलेश यादव आज भाई योगी जी ने नहीं कहा, ये मायावती ने कहा है, तो भैंस चरा रहे होते, आप गलत बात क्यों बोलते हैं, मायावती ने आपको जवाब कैसे देना चाहिए था? मित्र सुनिए, विनीत सिंह जी कह रहे ना कि मायावती ने ये बयान दिया, मित्र सुनिए, किसी ने भी जवाब दिया, मायावती ने बयान दिया, मित्र मेरी बात सुनिए, मैं आपको इसका बेहतर जवाब दे देता हूँ, आपकी तरफ से मैं आज बोल देता हूँ, मैं मान लेता हूँ योगी जी ने अखिलेश यादव को बोला, और मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे बोलना होता तो मैं बोलता साहब आपको क्या पता भैंस का क्या महत्व है, गाय का क्या महत्व है, वही दूध पी पी करके आज सारे नेता सांड बने हुए हैं, समझे कि नहीं, भैंस का दूध। देखिए किसी चीज को कमतर मत आंकिए, हाँ कि आप भैंस को क्यों कम आंकते हैं, गाय को क्यों कम आंकते हैं, जानवरों को क्यों आंकते हैं? चलिए अब ये अच्छा हम मुद्दे पे आते हैं, सब सुनिए, बहुत जानवरों की भी राजनीति होती है, गाय को लेकर भी राजनीति होती है, लेकिन फिलहाल अभी पहले आजादी से पहले एक जान सांड्रस करके एक जनरल हुआ करता था, बकरी के बारे में महात्मा गांधी ने बोला है सर, देश के लोग बहुत परेशान थे, आज वही जान सांड्रस साढ़ के रूप में किसानों को परेशान कर रहा है, आज किसानों के बच्चों को मार रहा है,
जो गरीब के जमीन टीपू सुल्तान की सरकार चली पांच साल क्या करिएगा, एक टीपू सुल्तान की जो सरकार चली जिसने पिता को बेदखल कर दिया, साइकिल छीन लिया उसकी, चाचा को बेदखल कर दिया, तो आप उसके विषय में बताइए ना। लेकिन विनीत शुक्ला जी ये भी तो एक सवाल है ना, ये भी तो सवाल है कि आवारा पशु जो लगातार घूमते हैं, परेशान होते हैं किसान, किसान बिल्कुल लगता है कि उनके आगे कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, कोई रास्ता नहीं निकलता, तो ये सवाल तो है। नैंसी जी क्या इन दो सालों में योगी जी कोई गोरखपुर से लेके नहीं आए, ये सब जानवर, सब ये दूध, दूध की जो सबसे ज्यादा लोग गौसेवक थे या भैंस पालते थे, ये सब अपना केवल बस दूध निकाल लिया, उसके बाद जानवरों को छोड़ दे रहे हैं ये समाजवादी के लोग, जानबूझ करके ये सब समाज में इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। अब लीजिए कि समाज जानवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है भैंस पालो गाय पालो, आपने तो बहुत से उपाय निकाले हैं ना, बढ़ाने में उपाय निकाले हैं ताकि हर बच्चे को दूध मिले, जानवर पालने वाला हम बन गए हैं, जानवर पालने वाला समाजवादी या वो भारतीय समाज में जानवरों का बड़ा योगदान रहा है, गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, बकरी के बारे में भी महात्मा गांधी ने बोला है, उसमें आप उनको इतना ऐसे मत लीजिए, पार्टी उसमें बहुजन समाज पार्टी कहां से आ गई। चलिए आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली है, अब गाय भैंस पे लड़ाई हो गई हो तो कुछ मुद्दों पे भी बात कर ले। हालांकि मुद्दा तो ये भी है कि आवारा पशु घूम रहे हैं और नाकाम दिखाई दे रही है सरकार, तो इस पर बचिए मत। विनीत शुक्ला जी आपका सवाल बहुत अच्छा था, बाहुबलियों वाला बड़ा तार्किक सवाल है, मुझे लगता है कि हमको इस पे बात करनी चाहिए, सवालों पे भी बात कर लेते हैं। मिश्रा जी देखिए, मैं नैंसी मैं आपको बताऊं हमारे देश की दुर्दशा क्या है और राजनेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का स्वार्थ, ये बातें भले ही करें सुचिता की, आज की डेट में 33-35% बाहुबली दागी नेता संसद में भरे हैं। एजीआर की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाहुबली की श्रेणी में आते हैं। सुन लीजिए, मैं पूरा बता रहा हूँ, बात करें सर बोल लीजिए, करप्ट लोग हैं बीजेपी में आके गंगा जी का स्नान कराया जाता है उनको चिट फंड घोटाले के। अरे भैया उस लिस्ट में आपके भी नेता शामिल है, पार्टी में अगर मैं एक एक नाम लेकर शुरू करूंगी तो बहुत समय जाया चला जाएगा। सर प्लीज, जितने भी आपकी पार्टी में हो किसी भी पार्टी में हो, सवाल ये है कि आखिरकार क्यों उम्मीदवार जो रखे जाते हैं सामने, जनता के सामने लाए जाते हैं, उनकी शिक्षा को लेकर, शैक्षणिक योग्यता को लेकर बात क्यों नहीं की जाती है। जी देखिए आप तो सर, यही है सर, थोड़ा सुन लीजिए क्या कारण है, ये बात समाजवादी पार्टी या बीजेपी की नहीं है, मैं ये बीजेपी समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप भी हैं, एक मानव है पहले फिर नेता है माननीय है, आपके घर में भी लूट होगी कुछ होगा तो आपको भी तकलीफ होता है, और सड़क पे भी किसी आदमी के साथ होता है तो आपको भी तकलीफ होता है। सवाल ये है, सुचिता की बात हम करते हैं, सारे नेता करते हैं, सब लोग आने पे यही बोल के आते हैं कि हम, देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने तो मिशन ही ये चलाया, ये बोला पहुंचते हुए कि भाई ऐसे लोग यूपी छोड़ के चले जाओ। सवाल ये है, सब लोगों को बोल रहा है यूपी छोड़ के चले जाओ, अखिलेश यादव, मायावती जी को मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है कि भाई अन्याय ना हो, ये ना हो, गुंडेगर्दी ना हो, ऐसे नारे क्यों, मतलब चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, एक मुख्यमंत्री की पार्टी ये नारे दे रही है, सारी संसद में 33% बाहुबली, साहब क्या मजबूरी है कि आप लोग बाहुबलियों को टिकट देते हैं, एक क्लर्क की नौकरी नहीं पा सकते हैं आप, अगर आपके ऊपर FIR है, मैं शैक्षणिक योग्यता बता देती हूँ ना इसमें, और आप संसद में मंत्री बनते हैं, आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, राजनीतिक स्किल नहीं है कि अच्छे लोगों को टिकट दे करके आप उनको चुनाव जिता दे या जीत जाए। परेश है क्या, परेश रावल जो है इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, वोटिंग के लिए पहुंचे हैं, और ये दर्शकों को बताते जाए वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, साक्षी महाराज भी वोटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं, वोट डाल चुके हैं, वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है, फिलहाल कंटिन्यू करेंगे इसको लेकर। एके मिश्रा जी, मैंने टोका उसके लिए काफी चाहूंगी। इसमें होता क्या है, हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, एक फैक्टर होता है विनेबिलिटी। देखिए इलेक्शन में हर कोई जीतना चाहता है, ये सवाल आप ऐसे भी बोलिए, उर्मिला मातोंडकर हो गई, बहुत सारे फिल्म स्टार सारी पार्टियों में आए, लोकल कैंडिडेट को जिसने 20 साल वहां चप्पल घिसी है, एक एक बूथ को जानता है, गांव के एक एक आदमी को जानता है। रुकना प्लीज, एक बार फिर से रुकना चाहूंगी, साक्षी महाराज से कुछ करें सुन लेंगे। और राष्ट्र में अपना मतदान करके आया हूं, आप लोग जो स्नेह प्रदर्शित कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप मानते हैं कि कितनी मुश्किल
अब आ रहा है एक मिनट एक उधर आ जाओ इनको इनको वोट डालने दो मैम आप बात करेंगी सर साथ में आ जाइए जो है वो अब तस्वीरों में आते जा रहे हैं हमारे पर जहाँ फिल्म स्टार जो है वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी वोटिंग जारी है। उन्नाव की बात करें तो साक्षी महाराज वहां से प्रत्याशी हैं। अनु टंडन कांग्रेस की ओर से, अरुण कुमार शुक्ला महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में। वहीं पर अगर बात करें पीएसपीएल की ओर से तो वहां पर सतीश कुमार शुक्ला को उतारा गया है। तो यहाँ का जो समीकरण है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले जिस मुद्दे को हम लेकर बात कर रहे थे एके मिश्रा जी, अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते तो 5 से 12वीं तक ये उम्मीदवार हैं जिनका शैक्षणिक योग्यता से 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक है। तो ये देश की जो जनता है, जो अपना क्षेत्र की ही बात कर ली जाए, क्या काम करेंगे उनके लिए? देखिए सबसे गंभीर सवाल यही है, 33% लोग एमपी बन के बैठे हुए हैं, जो समाज के भक्षक थे कल तक, आज उनको रक्षक बनाया जा रहा है। देखिए करेक्ट है कि मैं 5 लाख से अधिक लीड दे करके दिल्ली पहुंचने वाला हूँ। अब लेकिन आपकी जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस से, वो कह रही है 2 घंटे से कंप्लेन आ रही है ईडी में, मुंह में डाल लो फिर। मैंने आपसे कहा ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है, ये लोग ईवीएम को ही दोष देते रहेंगे और जब मोदी 400 पार होकर के दिल्ली पहुंचेंगे तो इनके पास ईवीएम का रोना रोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। ये बता दीजिए कि जो लोग आपको वोट नहीं दे रहे उनको श्राप तो नहीं मिल रहा है? आपने कहा था नहीं, मैंने श्राप कभी किसी को दिया नहीं, श्राप कभी किसी को दूंगा नहीं और साधु किसी को श्राप देता भी नहीं है। मीडिया में कुछ लोगों ने केवल पूरा ग्रह से ग्रसित होकर के या कहीं से किसी प्रकार का पैकेज लेकर के मुझे बदनाम करने का समय समय पर काम करते रहते हैं, वो भी काम किया। यहाँ की जनता देवतुल्य है, यहाँ की जनता को मैं कभी श्राप देने की सोच नहीं सकता। अगर आशीर्वाद होगा तो आशीर्वाद देने की बात जरूर सोचूंगा। अच्छा जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं या मोदी के नाम? 3 बातें हैं। नंबर 1 प्रखर राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है और जो काम 65 वर्षों में नहीं हुआ, सबका विकास सबका साथ। ये सबका विकास सबका साथ सारे देश पर भारी है, विपक्ष पर भारी है। विपक्ष अकेले कहीं भी खड़ा होने में सक्षम नहीं हुआ तो महागठबंधन बना लिया, जिस महागठबंधन को जनता ने महाठगबंधन कहा, हम लोगों ने उसे महामिलावट कहा। तो महाठगबंधन तार तार हो रहा है, कहीं महाठगबंधन दिखाई नहीं दे रहा। आप उन्नाव में देखेंगे सबकी जमानत जब्त होगी और 5 लाख से अधिक मतों से जीत कर मैं दिल्ली पहुंचूंगा। जहां तक आप मेरी बात करते हैं, हमारा एनडीए तो बहुत पहले से, माननीय अटल जी के जमाने के पहले से एनडीए चला रहा है। हमने किसी से भयभीत होकर के एनडीए नहीं बनाया है, हम पूरे बहुमत में थे तब भी एनडीए हमारे पास था। लेकिन जो जिन लोगों ने अभी महागठबंधन बनाया है, मोदी से भयभीत होकर के महाठगबंधन बनाया है, उसका कोई औचित्य नहीं है। बाबा सांसद पहुंच रहा है, बाबा तुम्ही लोग करा काही तरी आमच्यासाठी। इन इंग्लिश यू हैव कास्ट योर वोट? या आई हैव कास्ट माय वोट द वे आई थिंक इज राइट फॉर अस एंड आई होप इट इज इंप्लीमेंटेड। तो चलिए साक्षी महाराज को भी सुना, वहीं पर एक अभिनेत्री जो है उनको भी सुना, काफ़ी जो मूवीज़ हैं उसमें काम कर चुकी हैं, काफ़ी दिग्गज एक बड़ी अभिनेत्री हैं। और लेकिन जो मुद्दा है हम उससे ना भटके, लेकिन इस बीच साक्षी महाराज के बयान को आप सुन रहे थे के मिश्रा जी, जनता के सामने कितनी बार सुर बदल जाते हैं और जब आपको लगता है कि आप घिर गए हैं तो मीडिया पर सब कुछ डाल दीजिए। यहाँ पर किस तरह का उनका बयान आया था, श्राप देते नजर आए थे, आप कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ दिया नहीं, मीडिया कर्मी जो है या मीडिया के जो लोग हैं वो तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को पेश करते हैं और यहाँ की जनता को हम श्राप क्यों देंगे, तो सुर कितने बदल जाते हैं? नहीं नहीं देखिए क्या है, तोड़ मरोड़ में माहिर कौन है मैं आपको बताऊं, ये नेता ही सारा तोड़ मरोड़ करते हैं। हाँ, इनसे आप पूछिए एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं तो हिंदी के बड़े बड़े विद्वान इनके सामने फेल हो जाएंगे। यही एक इनकी खूबी होती है। जैसे समाजवादी पार्टी के नेताजी ने एक बयान दे दिया था एक रंग को लेकर के, उसके बाद देखिए उसकी व्याख्या कितने सुंदर से की, साहब ये वो पंछी है ना जो ना कानून के जाल में फंसते हैं ना संविधान के जाल, कोई इनको फंसा के देख ले जनता की बेबसी है, संविधान इनके सामने बौना है, कोई भी कानून इनके ऊपर लागू नहीं होता है। यही कारण है जो हमारी बात चल रही थी, 33% लोग दागी, लोग जिनके ऊपर आरोप है जी,
संसद जो लोकतंत्र का भारत के देश के लिए सबसे पवित्र मंदिर है, यही लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, उस पवित्र मंदिर के जो पुजारी हैं वो इतने गंदे हैं, और यही कारण है जब वो पवित्र मंदिर 1/3 गंदा हो गया तो पूरा देश गंदा हो रहा है, और वो गंदगी आपको दिखती है भ्रष्टाचार के मामले की तरह से, वो गंदगी दिखती है कभी निर्भया कांड, कभी छेड़छाड़ी, कभी ये अपराध के रूप में दिखती है। अब इस पर आंसर भी लेते हैं। विनीत शुक्ला जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। एडीआर की रिपोर्ट है, यूपी इलेक्शन वॉच ने रिपोर्ट दी है, उसमें कहा गया है कि 31 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सिर्फ सारे कैंडिडेट्स आपकी पार्टी की ओर से हैं, अदर पार्टी की ओर से भी हैं, लेकिन मुद्दा सभी पार्टियों के लिए है कि आखिरकार ऐसे कैंडिडेट्स क्यों सामने लाए जा रहे हैं जो कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अगर देखा जाए, नापा जाए तो वापस सही नहीं तोले जा सकते, उनका नाप जो है वो सही नहीं बैठता वहां पर। अगर वहीं पर हम बात करें कि उनकी छवि किस तरह की है, 18% ऐसे प्रत्याशी हैं जो गंभीर आपराधिक उनके मामले हैं, उन्होंने घोषणा भी की है उसकी, उन्होंने सब कुछ बताया है प्रोफाइल में, तो ऐसे जो प्रोफाइल वाले कैंडिडेट्स हैं इन पर क्या विचार नहीं करती? क्योंकि अब तो आप ये मत कहिएगा कि संगठन का विचार होता है, क्योंकि संगठन ने अगर विचार किया है तो बहुत गंभीर है। क्या विचार करके यहाँ पे कैंडिडेट्स उतारे गए? देखिए नैन्सी जी, भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी हैं, एक तो पहली बात तो किसी भी पार्टी में इन अपराधियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये सभी पार्टियों को सोचना होगा। दूसरे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में के बाद सोचेंगे आप लोग। जी जी नैन्सी जी आप बात पूरी होने जाने दीजिए। देखिए वही समाजवादी पार्टी में अरुण शुक्ला जैसे चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके क्या करते थे, वो आपराधिक मामले कितने हैं ये समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे। गठबंधन में का एक प्रत्याशी है आफ्ताब आलम जो आज के समय में खुली चुनौती और धमकी दे रहा है डुमरियागंज में, ये गठबंधन का प्रत्याशी है। गुड्डू पंडित इनके गठबंधन का प्रत्याशी था जो एक अपराधी है। तमाम ऐसे पश्चिम में अपराधी हैं। शिवपाल जी की पार्टी से लड़ रहा मलखान सिंह चंबल का डकैत लड़ रहा है, चाहे वो फूलन देवी का मामला हो या अन्य तमाम अपराधियों का मामला हो। मतलब सवाल में भी उसी तो तरीके से तमाम पार्टी के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट है। मैं आपकी पार्टी में भी बता देती हूं ऐसे। नैन्सी देखिए, आप एक दूसरे पे चीटाकशी ना करें ना। अभी रमाकांत यादव जी, भालचंद यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे, सुनेंगे, रुकेंगे आपको। के दाम के लिए हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबको बराबर आत्मसम्मान। कन्हैया इस बार सबको पिछाड़ने वाले हैं, इसका मतलब कन्हैया नहीं पछाड़ेंगे, बेगूसराय के लोग पछाड़ेंगे, और पूरे देश को एक संदेशा जाएगा कि बेगूसराय जीत रहा है और लोकतंत्र में लोगों के मुद्दे जीत रहे हैं। हमारे साथ कन्हैया सराय से कैंडिडेट कन्हैया कुमार को आप सुन रहे थे। हालांकि इस बीच तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। भाई सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मैं इसी पर सवाल का जवाब लूंगी आपसे विनय सिंह जी, क्यों ऐसा हमेशा होता है कि कैंडिडेट्स को लेकर कभी विचार नहीं किया जाता? क्यों जनता के सामने ऐसे कैंडिडेट ला दिए जाते हैं जिस पर उनकी मजबूरी होती है कि भाई अगर हम इस पार्टी को देना भी चाहते हैं अपना मत, अब कैंडिडेट जो है उसी को देना पड़ेगा, क्यों ना इस पर विचार कर लेना चाहिए पार्टी को पहले ही? जी नैन्सी जी, मैं बताऊं कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे जैसा कि आपने, आपको भी मालूम है कि सारी पार्टियां, अभी इन्होंने रमाकांत जी की बात की, रमाकांत जी जब इनके पार्टी में थे तब तो बड़े अच्छे थे, इधर आ गए तो गड़बड़ हो गए। अगर कोई भी अपराधी ऐसा है इनकी पार्टी में चला जाता है तो उसे स्नान करा देते हैं, वो पवित्र हो जाता है, ये इनका मानना है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वोटिंग जारी है, चौथे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, तो लगातार एफएम न्यूज की ओर से यह भी अपील है जितने भी वोटर्स हैं वोट डालने के लिए जरूर जाएं, आपका अधिकार है, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान जरूर दें। हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए के मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, लगातार हमें बारीकी समझा रहे हैं एक सीट को लेकर। हमारे साथ जो है कांग्रेस की ओर से रफात फतेमा जी हमारे साथ बनी हुई है, हमारे पर एसपी की ओर से मनोज यादव जी, बीजेपी की ओर से सुधाकर कुशवाहा जी हमारे साथ बने हुए। लेकिन इस बीच ये बड़ी तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, माहौल काफी खराब हो चुका है। बाबुल सुप्रियो वोटिंग के लिए आए थे लेकिन यहां पर माहौल काफी बिगड़ चुका है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं और बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया है कि उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको वोट डालने के लिए परेशान किया जा रहा है, तो ये आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या रिएक्शन आ रहे हैं, सुनिए।
সুজিৎ বাবু বিরোধীরা অভিযোগ করছে আপনি আসার পর এখানে উত্তেজনা ছড়ালো, এই ব্যাপারে কি বলবেন? অসম্ভব ব্যাপার, আমি লোকে নামাও বেসার চেষ্টা করছি এবং বিরোধীরা আমি যখন আসি খবর পাই বিরোধীরা বাবু চুপ করে যাবে বুথের ভিতরে স্লোগান দিচ্ছে, এটা কোন গণতন্ত্র? মাহল কাফি বিগড় চুকা তো পুলিশ লাঠি চার্জ করতে মজবুর হয়ে চুকি পোলিং বুথস পর মাহল কাফি গরমা চুকা হ্যাঁ और माहौल को शांत बनाए रखने के लिए पुलिस लाठी चार्ज करने को मजबूर है, लोगों को मजबूर हो चुकी है, लोगों को खदेड़ा जा रहा है यहाँ से और वहीं पर लोगों की ओर से भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं या वहाँ पर लोकल पब्लिक है, क्योंकि पोलिंग बूथ्स पर ऐसा पहली बार नहीं है पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल बनाओ, वहीं पर पुलिस की ओर से लोगों को हटाने की कोशिश और इसके लिए लाठी चार्ज तक करना पड़ा है। तो पश्चिम बंगाल की हवा में पहले भी तनाव का माहौल देखने को मिला है और अभी फिर से तनाव बन चुका है। महिला वोटर्स भी जो हैं वो भी अपने हाथ में लाठी डंडे लेकर नजर आ रही हैं। दरअसल बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम जनता है, उनकी ओर से कई बार आरोप लगाया जा चुका है कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। स्वाभाविक है, जब इम्तिहान देने कोई भी जाता है तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र में सभी लोग कॉन्फिडेंस होके जाएंगे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग है क्योंकि उन्नाव पूरा जिला मेरा एक परिवार है और परिवार ने पूरा मुझको सहयोग भी दिया, हौसला भी दिया और बहुत प्यार दिया। बीजेपी के उम्मीदवार और सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला है और सब दगे हुए कारतूस हैं। ये तो उनकी भाषा है और उनका तरीका है बोलने का, मुझे इस पर टिप्पणी ना ही करवाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, क्या लगता है जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर लोग आपका साथ दे रहे हैं? मेरे ख्याल से स्थानीय मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लोग साथ नहीं देंगे, हमें उनका साथ देना है और मौका मुझे मिलेगा एक प्रतिनिधि के तौर पे तो जितने मुद्दे हैं सभी को अहमियत देकर कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिले और अपने परिवार के लिए यानी उन्नाव के लिए कर सकूं। प्रियंका जी ने भी यहाँ पर काफ़ी कोशिश की है, लोगों से मुलाकात की है, आपको लगता है कि उनका जो करिश्मा है वो आपके लिए काम करेगा? मेरे ख्याल से प्रियंका जी की जो ये विज़िट थी और रोड शो था तो वो मेरे ख्याल से मीडिया, आपके मीडिया के सभी सहयोगी भी बताएंगे और जनता भी बताएगी कि भीड़ उमड़ के आई थी, हौसला बहुत था लोगों में, बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे, उत्साहित थे और मेरे ख्याल से फ़र्क तो पड़ा। तो अनु टंडन को आप सुन रहे थे, कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें आ रही हैं आसनसोल की, पश्चिम बंगाल के आसनसोल की तस्वीरें जहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर कि मारामारी की जा रही है, मारपीट की जा रही है और तस्वीर काफी तनावपूर्ण है, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। वोटरों में भी काफ़ी खामोशी पहले देखने को मिली थी क्योंकि इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी अति संवेदनशील इलाका माना जाता है आसनसोल का और इसको देखते हुए पहले भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालांकि कई इलाकों पर शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो हो भी रहा है, लेकिन जो अभी तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल की, बड़ी जानकारी आपको दे दें, यहाँ पर पुलिस लाठी चार्ज करने को मजबूर हुई है। आसनसोल में वोटिंग के दौरान हिंसा हो गई तो ये माहौल जब बिगड़ा, जब बाबू सुप्रियो यहाँ पर पहुंचे वोट करने के लिए और जो वोटिंग कर्मचारी हैं उनके साथ उनकी बहस हुई, बाबू सुप्रियो बाहर आते हैं और कहते हैं कि उनको धमकाया जा रहा है, तो जब से ही ये माहौल तनावपूर्ण बन गया और देखते देखते माहौल हिंसा के रूप में बदल गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पश्चिम बंगाल से, इस वक्त की बड़ी खबर, आसनसोल में काफी माहौल खराब हो चुका है, तनाव बना हुआ है, वोटर जो हैं
वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है लाठीचार्ज किया गया है। तो ये बड़ी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं, माहौल काफी खराब हो चुका है। के मिश्रा जी, हालांकि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो इस पर लिए जाएं। सुधाकर कुशवाहा जी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी की ओर से। सुधाकर जी, क्या कहेंगे, बाबुल सुप्रियो जाते हैं और एक मिनट आपको आपके पास आऊंगी, बाबुल सुप्रियो की जो गाड़ी है वो यहाँ पर नजर आ रही है और वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन साफ तौर पर कहा गया कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया गया और उस वक्त जो है उनकी बहस भी हो गई थी क्योंकि वो अंदर गए, अधिकारी से बात करते हैं। बाबुल सुप्रियो की गाड़ी पर भी हमला हुआ, उनकी गाड़ी का शीशा टूटा और एक बार फिर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अलग अलग पार्टी के, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बाबुल सुप्रियो पहले ही कह चुके हैं कि धमकाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो काफी चिंताजनक ये तस्वीरें हैं, लेकिन पुलिस पूरा माहौल संभालने की कोशिश कर रही है। वापस अपनी चर्चा की ओर लौटेंगे, पैनलिस्ट आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच रंजना काफी देर से इंतजार, क्योंकि वो अपडेट के साथ खड़ी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं, उनका रुख करूंगी। रंजना, क्या कुछ अपडेट है, क्या मतदान प्रतिशत अब तक पहुंच पाया है, कितना पहुंच पाया है? जी नैन्सी, लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा हो गया, 9:40 बज रहे, इस बीच में आपको मतदान प्रतिशत जल्दी से बता दूं, कानपुर में 8% मतदान हो चुका है और इसी बीच लगातार हम आपको बता रहे हैं छिबरामऊ में 8.51% मतदान हुआ, इसी के साथ तीरवा में 8.62% मतदान है, कन्नौज में 7.89% मतदान है, रसूलाबाद में 9%, शाहजहांपुर में आप देख सकते हैं 11.13% मतदान हो चुका है, इसके साथ ही खीरी की बात करूं तो 10.45% मतदान यहां पर हो चुका है। तो लगातार जो मतदान के आंकड़े बता रहे, हरदोई में 12.05% मतदान हो चुका है। खबरें आ रही थी कि हरदोई में बहिष्कार किया गया है, वोट नहीं डाले गए, हालांकि मतदान प्रतिशत आ गया। मिश्रिख की बात करूं तो 11.40% यहां पर मतदान हो चुका है। इसके अलावा उन्नाव 14.05% यहां पर मतदान हो चुका है, उन्नाव से भी काफी कुछ खबरें आ रही थी वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मतदान प्रतिशत फर्रुखाबाद का है 12.05%। तो लगातार ये जितनी भी सीटें हैं तमाम मतदान प्रतिशत हम आपको सभी सीटों के लगातार बता रहे हैं। यहां पर इटावा में 15.07% मतदान हो चुका है, तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान है और इसी के साथ कन्नौज की बात करूं तो 12.04% यहां पर मतदान नैन्सी हो चुका है। इस बीच उन्नाव के मैंने मतदान के आंकड़े आपको बताए, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। मेरा भी एक सवाल नैन्सी उनसे ये है कि साक्षी महाराज जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, वो वहां जब वोट डालने पहुंचे खबर ये आई कि सबसे पहले वो अंदर चले गए, घंटों लोग सुबह से कतारों में खड़े हैं वहां मतदान के लिए। ऐसे में जो वीआईपी कल्चर है उसका एक नजारा देखने को मिला कि आप आते हैं, आप एक नेता है, आप जाते हैं और वोट डाल लेते हैं। सवाल मेरा यह है कि इतने सालों से लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया, यहां के देश, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। तो रंजना ने ये बड़ी अपडेट दी है, क्योंकि देखिए ये रंजना नजर बनाई हुई है एक खबर पर और तमाम जो बारीकी है उसको हमें पहुंचाती जा रही है और इसीलिए अपडेट जो है हम रंजना से ले रहे हैं। तो रंजना ने एक बड़ी बात कही है। एके मिश्रा जी, आप शायद कुछ कहना चाहते हैं, वीआईपी कल्चर खत्म करने का जो ढकोसला है, क्योंकि कहूंगी क्योंकि साक्षी महाराज तो वहां पर पहुंचे हैं, लाइन में लोग लगे उनको हटाकर खुद पहुंच गए, तो ये तो गलत है। नैन्सी देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने एक चीज बोली थी कि इस देश के रिसोर्सेस पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, हार्वर्ड वगैरह से पढ़े हैं, लेकिन यहां चूक कर गए। उनको ये बोलना चाहिए था ना, मैं ये बोलता हूं कि इस देश के रिसोर्सेस पे पहला अधिकार मुसलमानों हिंदुओं का नहीं है, इन गणमान्य नेताओं का है। वो चाहे लाइन में लगने की बात हो, चाहे गली कूचे में एक बल्ब लगवाना हो, चाहे जेट प्लस सिक्योरिटी लेना हो, चाहे पुलिस का रिसोर्स हो, चाहे सेना का रिसोर्स हो, चाहे खदानों का रिसोर्स हो, सारे ठेके मिलेंगे तो नेता लोगों को या उनकी लॉबी को मिलेंगे। जनता के लिए क्या मिलता है? कुछ नहीं। ये इसी का एक एग्जाम्पल है कि जो बोलते हैं ना कि सब जो है सारा अधिकार मुसलमानों या जनता का है,
सारा अधिकार इन गणमान्य नेताओं का है। एक एक नेता को जो चुनाव हार गए हैं ना उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है। आप चुनाव हार गए हो तो किस बेसिस पे आपको सुरक्षा और ये सब सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए? जवाब ले लेते हैं। सुधाकर कुशवाहा जी, मेरे सहयोगी ने एक अच्छा जानकारी भी दी और सवाल भी उठा दिया है। वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कर रहे थे आप, तो यहाँ पर साक्षी महाराज क्यों लाइन को तोड़ते हुए सबसे पहले पहुंच गए वोटिंग करने के लिए? कि हम तो देखिए स्टूडियो में बैठे हैं और जो हकीकत जानकारी है वो न्यूज रूम से मिलती जा रही है। बात है तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसके लिए ठोस कदम उठाए हैं। अगर कहीं लाल बत्ती का जो कल्चर था वो आज खत्म हुआ है तो ये बीजेपी की देन है। लेकिन आपके नेता तो उन ठोस कदमों पर पानी फेर रहे हैं। सुधाकर जी तो कहीं ना कहीं चुनाव का समय है और व्यस्तम समय है उनका। हाँ, वो वीआईपी है, 100 लोग जो लाइन में लगे खड़े चलता है उनके टाइम की कीमत नहीं है। वो तो जो है वो तो साधु महात्मा भी कहते हैं ना अपने आप को, तो साधु महात्मा में तो संयम होना चाहिए। नहीं वो तो है ही है, कहते नहीं है, वो तो है ही है, संयम नहीं दिखाई दिया। महात्मा तो है ही है लेकिन चुनाव का कार्यक्रम चुनाव चल रहा है। शायद ये वजह उनकी हो सकती है कि नेता बनने के बाद तो स्वयं खो देते हैं। लगाई है क्या किसी पोलिंग बूथ पे कि उनको जाके सरकारी ड्यूटी करनी है? नहीं नहीं नहीं, नेता बनने के बाद स्वयं खो देते हैं। जितने भी नेता होते हैं संयम खो देते हैं, लाइंस को सब भूल के वीआईपी कल्चर को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मनोज यादव जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास केवल एक जी नैंसी जी, देखिए मैं इसको कह सकता हूँ कि कहीं आपके टेलीविजन स्क्रीन पे एक ब्रेकिंग चल रही है कि पश्चिम बंगाल में ये आरोप लगा रहे हैं बाबुल सुप्रियो कि वहाँ के लोग बीजेपी कोर्ट नहीं डालने दे रहे हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता है। तो इसको मैं क्या समझू, हार का बहाना समझू? अथवा जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में तमाम सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग मशीनों को गड़बड़ कर रहे हैं, तब ये लोग कहते हैं हार का बहाना है। सबसे ज्यादा हम तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो एसपी बीएसपी की ओर से कहा जाता है ये। हम ये कहेंगे कि मोदी जी के संरक्षण में जो सुरक्षा कर्मी वहाँ किया गया है, जो इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए चलाया जा रहा है, उन सुरक्षा कर्मियों से मैं अनुरोध करूंगा कि भैया बीजेपी को वोट डालने दो, ने बात को उनको सटीक बहाना मिल जाएगा। ये भी कह दीजिए ना तमाम पार्टीज आपकी पार्टीज के भी जितने हैं उनको भी वोट डालने दे, क्योंकि सवाल तो आप उठा लेते हैं। एक मिनट, आज मनोज यादव जी अपने विचार, आप उत्तर मनोज यादव सर सुनिए, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आज आप अपने उस विराट रूप में अवतरित हुए हो जो ऐसी बात बोल रहे हो कि बीजेपी के वोटरों को वोट डालने दो। एक और सर आप अपना उदार चरित्र दिखा दीजिए, विराट रूप, देश की जनता को आज टीवी पे बोल दीजिए कि बीजेपी की सरकार फिर से बनवा दो, बोल दीजिए सर। आज देखना चाहता है ये दुनिया, देखनी चाहती है विराट रूप। अलग अलग और भगवान वाली बातें तो मोदी कह सकते हैं, प्रपंचों से मनोज यादव नहीं कह सकते। को कैसे चलाया जाता है हमें ज्यादा पता है, बीजेपी विराट रूप बीजेपी का वहां बोल सकते हैं। यहाँ पे भी बोलिए ना कि कांग्रेस की सरकार बन जाने दो, हम क्या करते हैं, बीजेपी की सरकार बन जाने दो। और किस लिए बोलूं? तो वहां के लिए क्यों बोल रहे हो सर? रफत पाटिल जी को जाइए, क्योंकि ये पर्टिकुलर विचार के लिए क्यों स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। एके मिश्रा जी, ये एक व्यक्तिगत विचार है, अगर आप इस विचार से वाकिफ रखते हैं तो आप, वो आपका विचार है, वो अपनी पार्टी की ओर से यहाँ पर हैं तो अपनी पार्टी के ही विचारों को रखेंगे, उनकी भी मजबूरी है। नहीं, ये गलत है, मैं आपको बताता हूँ। समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, हर पार्टी की आइडियोलॉजी जब पार्टी रजिस्टर्ड होती है संविधान के अनुसार, उनका निजी कुछ नहीं होता है। पार्टी का अस्तित्व केवल देश और प्रदेश की जनता और विकास के लिए है। कोई नेता बोल दे कि ये मेरी पार्टी है, मेरा निजी अस्तित्व है, मैं निजी उस चीज के लिए काम अच्छा कर रहा हूँ, संवैधानिक पद पे बैठे वो तो आप पार्टी आपकी निजी पार्टी है, देश के लिए है, जनता के लिए है। कोई भी पार्टी हो वो देश के लिए होती है, देश की जनता के लिए होती है। आगे बढ़ते किसी भी पार्टी की, कोई जो भी पार्टी है वो सही करेंगे मिश्रा जी, कि देश की जनता के लिए आप आते हैं, आप मुद्दों को बात लेकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर मैं रफत फातिमा जी आपसे इस पर स्पष्टीकरण चाहूंगी, स्पष्टीकरण के अपनी बात रखिए, आप किस तरह से लेते हैं साक्षी महाराज वहां पहुंचते हैं, वीआईपी कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। बात सिर्फ साक्षी महाराज की नहीं है, ऐसे बहुत से नेतागण पहुंचते हैं, लाइन में आम जनता लगी हुई है, लेकिन आप आगे पहुंच जाएंगे क्योंकि आप एक जाने माने चेहरे हैं या उस क्षेत्र के सांसद हैं, तो ऐसा क्या हक है आपका? नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ये वीआईपी कल्चर का वो खत्म होना चाहिए।
कि जिस तरीके से आप पहले जाके इतनी देर से सुबह से जनता लगी हुई लाइनों में, इतनी धूप गर्मी में अगर वो निकल रही है वोट डालने, तो सभी को बराबर की जो है एक स्टेज पे होना चाहिए। ये नहीं कि नेता पहले चले जाएं वोट डालने और जनता बेचारी खड़ी हुई है। तो ये वीआईपी कल्चर, वैसे भी इनकी कथनी करनी में फर्क है, ये कहते हैं वीआईपी कल्चर को मिटा रहे हैं हम जो है जमीनी नेता है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तानाशाही बीजेपी सरकार में। नहीं, कोई तो बड़े आगे, किसी भी, हमने कहा ना किसी भी पार्टी में हूँ नेता, ये चीज नहीं अच्छी लगती है कि आप पहले जाके किसी का फॉलो करना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं करा है ये, आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं करा। मैं कौन हूँ जो मुझे लगेगा, जो तस्वीरें आती हैं, जो खबरें आती हैं, वो बताती हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे क्या लगता है, लगता है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो देश की जनता देखती है उससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। जनता ही देख रही है, जनता इसका सबक भी देती है। चलिए, अब हम अलग अलग सीटों को लेकर सबक देती है। हालांकि एक जब ये बात आई है तो एक चीज और पूछना चाहती हूँ मैं। हम जब आप वीआईपी कल्चर की बात करते हैं तो कुछ वीआईपी चेहरे भी नजर आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है पार्टीज के लिए कि बॉलीवुड स्टार्स को पार्टी में शामिल किया जा रहा है? ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी है कि आपको अपने कार्यकर्ताओं पर जो इतने सालों से आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं उन पर भरोसा नहीं रहा है? बात कांग्रेस की हो तो उर्मिला मातोंडकर आ चुकी हैं, बीजेपी की हो तो कई चेहरे उसके अंदर आ चुके हैं। अगर हम ऐसे देखा जाए, आपको शायद पता होगा ना। हाँ बोलिए फातिमा जी, क्या बोलना चाहती हैं? जी जी, पूरी बात आप कर लीजिए तो हमें बताएं। मैं वही कहना चाहती हूँ कि ये वीआईपी फेजेस क्यों आ रहे हैं। एके मिश्रा जी, पहले आपसे जवाब लूंगी फिर जो पॉलिटिकल इश्यू से बोलूंगी। देखिए, वीआईपी फेजेस का क्या है मैं आपको बताऊं। ये ठीक है, लाल बत्ती खत्म हो गई, मैं मानता हूँ कहाँ खत्म हो गई है। सड़क पे चलती हुई लुटियन जोन, जो सबसे सेफ जोन माना जाता है, आप वहां जाके जरा देखिए, एक लड़के या लड़की के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, इन लोगों के लिए हारने के बाद भी जेट प्लस सिक्योरिटी। मैं एक चीज बोलूंगा, आईएएस का एग्जाम दिया, 800 लड़के पास हुए, जो पास हुए उनको सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं मिले लाजमी है। फेल होने वालों को भी आप आईएएस का अधिकार दोगे, गाड़ी बंगला घोड़ा दोगे, तो कहां से वीआईपी? देखिए, ये नेता जितने हैं ना, एक कहावत बनी है वो मौसेरे भाई वाला, कौन फला फला मौसेरे भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, ये हारेंगे तब भी जीतते हैं, ये जीतेंगे तब भी जीतते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं, आर्मी का शासन चाहते हैं क्या? आप सनी देओल को पार्टी में क्यों ला गए? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूं, मैं न्यायोचित, और अगर आप लोग नहीं करोगे तो वही होगा, थोड़ा सा ही अलग हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया। मेरा सवाल ये था कि सनी देओल को पार्टी में लाया गया, एक बार के साथ खड़ा है। वहीं पे गिरिराज सिंह ये भी कहते हैं, उन्होंने ये भी बयान दिया है कि राष्ट्रवाद और देशद्रोही किसका बात है? किसकी बात करते हैं? उनका नाम लेते ही लोग हंसने लगता है। बेगूसराय के लोगों ने कहा है कि बीजा मंत्री का बकवास इस बार बेगूसराय नहीं सुनेगा, और इसीलिए वो जो है अंदर से यह बात मान चुके हैं, वो हार गए हैं। अब क्या करें, सरकार का मुखौटा है, किसी तरह से जो है कठपुतली की तरह चल रहे हैं, लेकिन इनका स्विच जो है वो बंद होने वाला है। रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास है और रिमोट काम नहीं करेगा, यह कठपुतली बेगूसराय में नहीं चलेगा। सर वहीं पर, लेकिन गिरिराज सिंह ने एक, आपने कहा था कि मेरा कॉम्पिटिशन एनडीए है, बीजेपी है, पीएम मोदी और गिरिराज है, लेकिन गिरिराज सिंह आपको अपना कॉम्पिटिशन नहीं मानते, ये कैसे? ये बात आप कैमरा बंद करके पूछिएगा। के तो बहुत कुछ बोल जाते हैं कन्हैया कुमार, भारत के टुकड़े होंगे, ऐसे बयानों को लेकर भी बहुत बार सुर्खियों में आ चुका है जेएनयू। तो कन्हैया कुमार अपनी शख्सियत के लिए चर्चा में आ चुके हैं पहले, और जेएनयू से ही आए हैं, जहां पर उनकी पीएचडी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। सवाल कई बार इस पर हो चुके हैं और लगता है कि इस बार चुनावी मैदान में तो शायद उनकी पीएचडी खत्म हो जाए। एके मिश्रा जी, बेगूसराय की रणनीति को भी समझ लेते हैं, अब चर्चा यहां तक पहुंची है, कन्हैया कुमार आ चुके हैं, उनकी वो तस्वीरें दिखी हैं, तो ये भी सवाल करना चाहूंगी, बेगूसराय में कॉम्पिटिशन कैसा देखा जाए? मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली बेगूसराय की लड़ाई आम चुनावी लड़ाई नहीं है, ये लाल सलाम वर्सेस भगवा प्रणाम, लाल सलाम वर्सेस भगवा प्रणाम की लड़ाई है, मतलब दो आइडियोलॉजी की लड़ाई है, कम्युनिज्म जो एक इन लोगों का है, मार्क्सिस्ट वगैरह लेनिन की आइडियोलॉजी, और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसकी लड़ाई है, जो संघ की आइडियोलॉजी है। मैं एक चीज बोलूंगा, आज तक ठीक है, ये जो हमारे प्रत्याशी हैं वहाँ पे कन्हैया कुमार अच्छा बोलते हैं, सारी चीजें हैं उलझा के रखते हैं, मैं ये बोलूंगा ना, अगर ये जीत गए तो मैं मान लूंगा कि इनकी पीएचडी की डिग्री पूरी हो गई, अब ये वायवा चल रहा है,
जेएनयू में तो पीएचडी की डिग्री पता नहीं पूरी कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन चुनाव जीत गए तो मैं मान लूंगा कि ये वाइवा इनका चल रहा है चुनाव और ये जीत गए। अगर नहीं जीते, अगर मान लीजिए नहीं जीते, तो पूरी एक आइडियोलॉजी की ये हार होगी और जेएनयू और वहां के टीचरों की हार मैं मानूंगा। लेकिन देखिए ये भी तो है ना कि अगर वहां पर हम गिरिराज सिंह के साथ कंपटीशन देख रहे हैं तो गिरिराज सिंह भी हार जाएंगे, मनोज यादव जी सीतारमण भी हार जाएंगे। क्या जनता का कोई इसमें रोल नहीं है सर, ऐसा बता रहे एके जी। नहीं एके जी कौन सा विश्लेषण कर रहे हैं, मुझे बड़ा फनी सा लग रहा है। अरे आप मैं समझ नहीं पा रहा, मनोज यादव जी एके मिश्रा जी से सवाल कर रहे हैं। आपको तो बस मनी मनी हर चीज चाहिए आपके भैया। आप प्रधान आपकी बार अखिलेश यादव माननीय अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जो उन्होंने बोला है अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश तो होगा वो मनोज यादव होंगे। अब खुश हो गए ना, आपको अच्छा लगने लगा होगा पर्सनली नहीं जाना है के मिश्रा जी। देखिए ठीक है उनका एक एक विचार है, मेरा सवाल है कि विचार मेरे भी हैं बहुत। मनोज यादव जी को सुन लेंगे मिश्रा जी, पहले हो रहे हैं इस बार, इस बार भारतीय इतिहास में सबसे महंगे चुनाव हो रहे हैं, इस पे एक के मैं बिल्कुल बोलूंगा। मेरे साथ बैठे हुए एंकर या आप लोग पूछेंगे तो मैं बोलूंगा, और इसमें मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, महंगे आप एंकर को बोलिए, अगर एंकर तो मैं जरूर ज्यादा पकड़ा गया है। देखिए डिबेट को कंट्रोल कराने का अधिकार एंकर को है, अगर एंकर पूछेंगी तो मैं बोलूंगा। मैं बोलूं हाँ बोलिए। हाँ। मेरे सवाल है भैया, आप पहले अपनी बात कंटिन्यू कर ले फिर मैं सवाल ऐड कर दूंगी। चलिए ठीक है आप बोल लीजिए, आपको जितना बोलना बोलिए पहले। देखिए मोदी जी ने कहा था 2014 में कि अच्छे दिन आएंगे, और मोदी जी के भाषण से अच्छे दिन आ गए जैसा भाषण गायब हो चुका है। मैं जानना चाहता हूँ इस पैनल से, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे आप एंकर हो, चाहे एंकर से सवाल क्यों करेंगे सर, वो बताएं इस बात को। एंकर से सवाल क्यों करेंगे, सवाल करने का हक मेरा है। की बात होनी चाहिए कि नहीं, मैं दे दूंगा जवाब। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए, उत्तर प्रदेश के बजट के बराबर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हुआ 17-18-19 में। और ये बात बताइए कि आखिर इस वक्तव्य का जिक्र क्यों प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ। मैं सवाल ही करने जा रही थी सर, अपने सवाल को ऐड कर लेती हूँ। चलिए अब मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ। सवालों पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? देखिए इस पे सुधाकर कुशवाहा जी से सवाल बनता है और सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। एक सवाल मैं इस पर जरूर करूंगी, क्योंकि कन्हैया कुमार का नाम आया है तो गिरिराज सिंह का भी नाम आया। गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया था कि इस क्षेत्र को पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा, उस पर जवाब जरूर लेंगे। एके मिश्रा जी से वाकिफ नहीं रख रहे हैं मनोज यादव जी, उस पर भी हम जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।